वालेकुम डियर स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल फाइन पिछले कई दिनों से हम इकोनॉमिक प्लानिंग डिस्कस कर करें और इकोनॉमिक प्लानिंग में हमें इकोनॉमिक सिस्टम्स को समझना ज़रूरी है हमारे लिए तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपिटलिज्म डिस्कस किया चलिए आज हम सोशलिज्म की तरफ आते हैं सोशलिज्म क्या है देखिए एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो मेजर इकोनॉमिक डिसजनज़ होते हैं जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस ये हमारे मेजर इकोनॉमिक डिसजनज़ होते हैं बाय गवर्नमेंट सरकारी फैसला सरकार ले, फैसले लेती ठीक है ना यानी इसका मतलब हम ये समझेंगे कि सोशलिजम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं ठीक है ना इकोनॉमिक सिस्टम है इट्स ऊनड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट पूरा सरकार के हाथों में होता जो भी बड़े बड़े फैसले होते हैं रिगार्ड टू प्रोडक्शन विद रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन वट इज टू बी प्रोड्यूसड वट नॉट इज टू बी प्रोड्यूसड है ना ये सब डिसाइड मार्केट फोर्स नहीं करते हैं ऑन लाइक दैपिटलिज्मोर्ज लेकिन सोशलिज्म में यह सरकार तय करती है यानी मार्किट फोर्सेज के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है सोशलिज्म ठीक तो सरकार ये फैसले इसलिए लेती है टू कीप इन इंटरेस्ट द सोसाइटी एज अ होल सो सोशल वेलफेयर है मैक्सिमम वेलफेयर है दैट इज द सोल गोल ऑफ द द द द ऑफ 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 सोशलिज्म राइट और इस सिस्टम का प्रिंसिपल मेरिट यह है कि वाइल प्रमोटिंग कलेक्टिव इंटरेस्ट कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ यहां तो होती और कलेक्टिव इंटरेस्ट से क्या मिलता है हमें सोशल इक्वलिटी यहां वैसी बात नहीं है अमीर अमीर नहीं हो जाएगा गरीब गरीब नहीं होता बल्कि यहां सोशल जस्टिस प्रवेल होता है सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस सोशलिज्म लेकिन नो डाउट

कौन से गुड्स लाए को किस चीज पे खर्च करे है ना जो चॉइस अवेलेबल हो उसे उसमें से चूज उस करे लेकिन सोशलिज्म है उसके लिए कोई चॉइस अवेलेबल नहीं होती एज ए कंज्यूमर यू आर टू कंज्यूम व्हाट द गवर्नमेंट डिसाइड्स एज द बेस्ट फॉर योर कंजन सरकार तय करती है आपको क्या कंज्यूम करना है ठीक और दूसरी प्रॉब्लम इस सिस्टम की यह है इट्स डिड ऑफ़ इंसेंटिव इंसेंटिव नहीं है एज एक्मेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट अलाउड इंसेंटिव जब ना हो तो हार्ड वर्क नहीं होती ग्रोथ नहीं होती डेवलपमेंट नहीं होती सिंपल सी बात एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ देखिए हमारे जे एंड के में दो तरह का ट्रांसपोर्ट ऑपरेट होता यू हैव द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट देखिए अगर श्रीनगर से गवर्नमेंट बस कुपवारा की तरफ या अनंतनाग की तरफ जाती है तो इसमें से हार्डली आध आठ दस बारह लोग उसके बरक्स जो प्राइवेट बस निकलती है ये ओवरलोडेड होती है वजह क्या है प्राइवेट बस वाले के पास इंसेंटिव है जितनी ज़्यादा सवारियाँ उसकी बस में होंगी इतना ज़्यादा पैसा उससे मिलेगा राइट इतना ज़्यादा प्रॉफिट उसके लिए होगा लेकिन जो गवर्नमेंट ओनर्ड बस उस ड्राइवर को उस कंडक्टर को मालूम है चाहे बस में कोई बैठे या नहीं बैठे दे विल गेट द सैलरी तो उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है राइट और ये इस वजह से है इट इज ड्यू टू इट इज सीरियस डिमेरिट्स दैट सिस्टम हैज़ कम्बल्ड इन मोस्ट कंट्रीज वायर इट वॉज इंशियली अडॉप्ट जहाँ ये पहले मौजूद था वहाँ इसको ख़त्म किया गया ये ख़त्म हो गया ठीक तो दूसरा सिस्टम हमारे पास है एक और एक इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज मड इंडिया ने अडॉप्ट किया है मिक्सड इकानमिक और ये वो इकानमिक सिस्टम होता है इन विच मेजर इकानमिक दिसज इज इट वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी एज वेल एज आर लेफ्ट टू द फ्री ऑफ द मार्केट फोर्स दोनों इन्वॉल्व होते पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है प्राइवेट भी इन्वॉल्व होता है जो प्राइवेट सेक्टर है दैट 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 इज 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 गवर्नड द मार्केट फोसेज वायर एज The government sector rests on the on the principle of maximum social welfare ठीक है ना? While the market forces would ensure maximum maximization of individual profit, the central government authority would ensure maximization of social welfare ठीक है ना? तो एक तरफ यहाँ private sector काम करता है, दूसरी तरफ government काम करती है, social sector काम करती है, public, private sector and social. Sector. इसका मुद्दा होता है individual profit, और इसका मुद्दा होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर और इस 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 सिस्टम में बहुत प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर को एग्जिस्ट टू फोस्ट सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली ठीक तो इस सिस्टम की मिक्सड इकोनॉमी का सबसे बड़ा मेरिट यह है कि इट ऑफर्स कंज्यूमर सावरेंटी यहां जो सोशलिज्म में नहीं है कंज्यूमर सावरेंटी को ये इनहेंस करता है चॉइस को बढ़ाता है और साथ साथ में वेलफेयर लेवल ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ती है इट ऑफर्स प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीनज ऑफ प्रोडक्शन दैट स्टलेट सेल्फ इंटरेस्ट एंड दियर फॉर पेस ऑफ ग्रोथ तो दूसरी तरफ ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट अलाउ करता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ दैट इन्हेंसेज इक्वेलिटी एंड सोशल जस्टिस इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस प्रिवेल होता है यहां दूसरी तरफ ये जो सेक्टर है इसका प्रिंसिपल डिमेरिट ये है कि पब्लिक सेक्टरटेकिंग्स अंडरटेकिंग होती है टेंट टू ब्रीड इन एफिशियंसी एंड करप्शन अक्सर आज देखिए निष्कार होती हो रही है इंडिया में अक्सर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर फेल हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी बिकॉज ऑफ करप्शन ड्यू टू लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड लेक ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट

इंडिया हैज़ एडोप्टेड मिक्सड इकॉनॉमी इंटरेस्ट इसके पीछे यही था कि एक तरफ हम प्राइवेट सेक्टर को ग्रो होने में मदद करेंगे दूसरी तरफ क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन अक्सर गरीब लोग बिलो मिडल क्लास थे तो उनका सोशल वेलफेयर उनको सोशल जस्टिस मिलना ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए इंडिया अडोप्टेड दिक्सड इकॉनमी राइट तो इस तरह से हमारे पास तीन इकोनॉमिक सिस्टम है वी हैव द कैपिटलिज्म जिसमें जो इकोनॉमिक मशीनरी है इट्स ओनड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सोशलिज्म है इट्स ओनड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इन इकॉनमी द टू सेक्टर्स को एग्जिस्ट वर्क साइड बाई सेक्टर ठीक है ना तो आज के लिए इतना काफ़ी है ये तीन सेक्टर्स आपके जहन में होने चाहिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्योंकि हम पला पलानिंग कर रहे हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द गोल्स एंड आर ऑबजेक्टिव ऑफ प्लानिंग तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे इन आने वाले दिनों में आज के लिए इतना काफ़ी है थैंक यू वेरी मच हैवे नाइस डे